हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और आज हम इसमें करेंगे इस मंथ की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अपने नए अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल एनसीसी के जो है वो किसको बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल बनाए हैं एनसीसी के, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोर्प्स के जो है डायरेक्टर जनरल बनाए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राजीव चोपड़ा। ओके, राजीव चोपड़ा जी को एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बनाए हैं। अगर एनसीसी के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर, ओके, हेडक्वार्टर कई बार पूछा जा सकता है अगर एनसीसी की हम बात करते हैं, तो एनसीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर, और कई बार जो है इसका मोटो भी पूछ लेते हैं। ओके, मोटो क्या है इसका? तो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है इसका मोटो है, तो आपने इसका हेडक्वार्टर और जो है इसका मोटो याद रखना है एनसीसी के बारे में। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव ऑफिशियली सेटअप अ पेमेंट चैनल विद ईरान कॉल्ड इंस्टेक्स। ओके, पेमेंट चैनल का मतलब क्या है? अभी जैसे यूएस ने, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं। ओके, सैंक्शन लगा दिए हैं कि जो है आप अगर सपोज ईरान के साथ अगर कोई बड़ी डील करते हैं तो आप डॉलर में नहीं कर सकते। ओके, तो अगर डॉलर में नहीं कर सकते तो अब आपके लिए ये प्रॉब्लम आ जाएगी, किसके किस करेंसी के साथ जो है हम ट्रांजैक्शन करें आपस में एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसका हल निकाला है। तो एक इंस्टेक्स नाम का एक पेमेंट चैनल है, इसके थ्रू जो है ये कंट्रीज़ आपस में व्यापार करेंगी। ओके, तो अगर हम इंस्टेक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो शामिल हैं, ये आपका लास्ट आंसर बिल्कुल सही होगा, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। इन्होंने मिलकर के इंस्टेक्स पेमेंट चैनल बनाया है ईरान के साथ, ताकि ईरान से जो है ये तेल खरीद सके और अपने जो कुछ भी इक्विपमेंट है, जो कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ पर वो बेच सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कैपिटल एंड करेंसी की, कई बार कैपिटल और करेंसी पूछ सकते हैं देशों के बारे में। तो जर्मनी के बारे में अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी बर्लिन है। ओके, बर्लिन जो है इसकी कैपिटल है। और अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो यूरो इज़ द करेंसी, और फ्रांस की जो करेंसी है वो भी यूरो है। ओके, बट फ्रांस की जो कैपिटल होगी वो क्या है? पेरिस। और यूके की आप सभी जानते हैं लंदन है, और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। पाउंड इज़ द करेंसी ऑफ यूके। ओके, तो ये सभी इंस्टेक्स पेमेंट चैनल के बारे में था। अब जो है फीमेल, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 200 ओडीआई। ओके, तो ओडीआई मैच जो है एक ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिसने 200 ओडीआई मैच खेले हैं, तो उसका नाम क्या है? मिताली राज। काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं, इंडियन प्लेयर हैं। ओके, ये इंडियन प्लेयर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक डांस फेस्टिवल है, म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल नाम है जिसका, सोपान। तो ये सोपान 2019 ये किस सिटी में जो है स्टार्ट किया गया है? और आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा नई दिल्ली में जो है सोपान 2019 स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम नई दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ओके, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है नई दिल्ली का? तो आपका आंसर होगा अनिल बैजल। ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, GOVERNOR, ये आर है। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, BAIGAL। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ओके, तो ये किस सिटी में स्टार्ट किया गया है? ओके, तो ये स्टार्ट किया गया है आपके मुंबई में। ओके, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ओके, आपने याद रखना काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन गोल्फर टू ग्रैब ऑस्ट्रेलियन LPGA कार्ड। ओके, तो इस इंडियन गोल्फर का नाम क्या है? इस इंडियन गोल्फर का जो नाम है वो है वाणी कपूर। ओके, इसका नाम है वाणी कपूर। तो पिछला जो क्वेश्चन था हमारा ये मुंबई महाराष्ट्र के बारे में, तो आपको कुछ बताते चले इसके बारे में, मुंबई एंड महाराष्ट्र के बारे में। अगर हम महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करते हैं तो मुंबई ही है। ओके, और ये एक स्ट्रीट फेस्टिवल है। तो अभी हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, कई बार नेशनल पार्क पूछ लेता है, तो महाराष्ट्र में कई नेशनल पार्क है।
वैसे तो 8 नेशनल पार्क हैं, बट हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आता है टडोबा नेशनल पार्क। टडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क है, ओके। एंड एक नवे गांव भी नेशनल पार्क है। नवे गांव नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, ओके। चलिए, ये हो गया वाणी कपूर। और उसके बाद है विच कंट्री वोन 2019 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ओके। तो फुटबॉल टूर्नामेंट किस कंट्री ने जीता है? तो यहाँ पे थर्ड जो है, थर्ड का जो आंसर होगा वो कतर है। सेकंड इज़ द राइट आंसर, ओके। तो अगर हम फुटबॉल टूर्नामेंट के, जैसे फीफा जो काफ़ी फेमस है, तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा? वो भी कहाँ पर होगा? कतर में ही होगा, ओके। अगर हम 2026 के बारे में बात करते हैं, तो 26 में जो है वो तीन कंट्रीज जो है 2016 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगी। नाम है जिसका कनाडा, ओके, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो ये तीन कंट्रीज मिलकर के फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी। और 2018 का अभी हुआ है, तो 2018 का जो फीफा के विनर है वो कौन सी कंट्री, अगर आपसे पूछ रहे कि कौन सी कंट्री है, तो आपका आंसर होगा फ्रांस इज़ द राइट आंसर। ऋषि कुमार शुक्ला को जो है अभी नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सीबीआई का, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर जनरल अभी बने हैं, नए डायरेक्टर बने हैं, जनरल नहीं डायरेक्टर बने हैं, उसका नाम क्या है? ऋषि कुमार शुक्ला, ओके। ऋषि कुमार शुक्ला है सीबीआई के नए डायरेक्टर का नाम। वो किस स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं? मेन क्वेश्चन ये है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ओके। मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है हमारा, चलिए, अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो ऊपर एक बार पढ़ते हैं इसमें, तो कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है, और गवर्नर का भी नाम कई बार पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदी बेन पटेल, ओके। और यहाँ पे अभी हम बात कर सकते हैं कुछ नेशनल पार्क की, एक बार इसको रब कर दें, ओके। तो नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क है, तो सबसे फेमस तो है कान्हा नेशनल पार्क, ओके। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद एक माधव भी है, माधव नेशनल पार्क। उसके बाद बांधवगढ़, ओके, एक बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क है, और एक पेंच नेशनल पार्क है, और एक पन्ना नेशनल पार्क है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क है, एक संजय नेशनल पार्क है। तो ऐसे जो है 5-7 है नेशनल पार्क, वो सभी आपने मध्य प्रदेश के काफ़ी हैं, तो इसलिए आपको जो है याद होना चाहिए। माधवगढ़, माधव है एक, बांधवगढ़ है एक, पेंच है, पन्ना है, कान्हा है, सतपुरा है, ओके। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, फर्स्ट एशियन वीमेन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20s। तो अभी तो हमने 200 ODI के बारे में बात की थी जो मिताली राज ने खेले हैं, बट ये एशियन वीमेन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20s, 100 T20 जो है ये खेल चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है साना मीर। ये कहाँ से है, कहाँ से ये बिलोंग करती है? ये पाकिस्तान की कैप्टन है, ओके। फॉर्मर क्रिकेटर कैप्टन है ये पाकिस्तान की। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन एज द स्टेट्स एक्वेटिक एनिमल, ओके। तो ये किस स्टेट ने जो है इसको डिक्लेयर किया है? डॉल्फिन है इंडस रिवर की, नाम याद रखना है, डॉल्फिन है इंडस रिवर की। तो राइट आंसर है पंजाब। तो पंजाब ने इसको अपना एक्वेटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया है। अगर हम इसके कलर की बात करते हैं, ब्राउन ग्रे कलर की होती है ये, ओके। ब्राउन ग्रे कलर की जो है ये होती है। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में वाटर डैम की, ओके, अब हम इसमें जो है वो नेशनल पार्क की बात नहीं बल्कि डैम की बात करेंगे, कि डैम जो है एक इम्पोर्टेंट डैम है, भाखड़ा एंड नंगल डैम, ओके। भाखड़ा एंड नंगल डैम जो है आपने सुना होगा, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है ये दो डैम है, ओके, एक बार इसको रब कर देते हैं। तो जो ये भाखड़ा एंड नंगल डैम मैं बोल रहा हूँ, ये भाखड़ा डैम है,
जो भाखड़ा डैम है ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये नंगल जो डैम है ये है पंजाब में। तो ये जो नंगल डैम है ये है पंजाब में, और भाखड़ा डैम जो है ये कई बार पूछा गया है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसी के लिए एक लेक बनाया गया है, उसका नाम क्या है? वाटर रिजर्वर जो है ये भाखड़ा नंगल डैम के लिए बनाया गया है, भाखड़ा डैम के लिए, तो नाम क्या है उसका? उसका नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर लेक है उसका नाम। हिमाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम क्या, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया कब जाता है। तो 4 फरवरी को जो है ये, 4 फेब को जो है ये मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो आई एम एंड आई विल, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद है एक अला मसजूब, पर्सन है, हु वॉज रिसेंटली शॉट डेड, रिनाउंड नॉवलिस्ट ऑफ विच कंट्री। तो हम बोल सकते हैं कि राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, तो ये किस कंट्री से जो है ये बिलोंग करते थे? तो आपका राइट आंसर होगा इराक से। इराक से ये बिलोंग करते थे। अगर हम इराक के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो है कैपिटल पूछ सकते हैं आपसे, तो इसकी कैपिटल है बगदाद। और अगर करेंसी की बात करते हैं तो करेंसीज दिनार। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वुड बी सेटअप एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है कहाँ पे, किस स्टेट में जो है ये सेटअप किया गया है, और राइट आंसर होगा आपका कोलकाता में। और कोलकाता किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है, कैपिटल है ये वेस्ट बंगाल की। और अगर हम इसमें बात करें, एक दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल में, दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में। और अगर आपसे पूछ जाए कि वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है, तो केशरीनाथ त्रिपाठी, केशरीनाथ त्रिपाठी। चलिए उसके बाद है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कालिया स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप स्कीम, एक स्कीम लॉन्च की है कालिया स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एजुकेशन ले सके, उसके लिए है। तो ये कौन से स्टेट ने जो है ये लॉन्च किया है, एक्चुअली क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने जो है ये जो इनिशिएटिव लिया है ये एजुकेशन के लिए, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अगर हम इसके गवर्नर की बात करते हैं तो वैसे अगर कैपिटल की बात करते हैं तो भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गणेशी लाल, गणेशी लाल इज़ द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। उसके बाद है स्पेस टेलीस्कोप हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू ड्वार्फ गैलेक्सी बेडिन 1। सबसे पहली बात तो ये गैलेक्सी का नाम ही काफ़ी अच्छा बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन कि बेडिन 1 जो है ये क्या चीज़ है, एक नई गैलेक्सी है। तो स्पेस टेलीस्कोप है, तो किस टेलीस्कोप ने जो है इसको डिस्कवर किया है, क्वेश्चन ये है। तो आपका राइट आंसर होगा हबल ने, हबल नाम है स्पेस टेलीस्कोप का। उसके बाद एक INF ट्रीटी हुई है जो अभी न्यूज़ में थी, तो ये किन कंट्रीज़ के बीच में जो है ये INF ट्रीटी हुई है? तो सबसे पहली बात है कि INF है क्या चीज़। INF है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, INF। अब हम बात करते हैं कि किन कंट्रीज़ के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये हुई है यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच में जो है ये हुई है। उसके बाद क्वेश्चन हम बात करते हैं, अरिबम श्याम शर्मा, अरिबम श्याम शर्मा डिसाइडेड टू रिटर्न हिज पद्मश्री अवार्ड, जो अभी इन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिला था उन्हें लौटा दिया है, ये इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016 इज़ फ्रॉम विच नदरन ईस्टर्न स्टेट। तो ये अभिराम श्याम शर्मा जो है इन्होंने किसके अगेंस्ट में लौटाया है, लौटाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं,
तो राइट आंसर होगा आपका मणिपुर से ये बिलोंग करते हैं, अभिराम श्याम शर्मा। ओके, और अगर हम बात करते हैं मणिपुर की कैपिटल की, तो इम्फाल जो है वहाँ की कैपिटल है, इम्फाल, इम्फाल। ओके, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ का जो गवर्नर है ये कौन है, ये है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला इज़ गवर्नर ऑफ मणिपुर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है जी सेट 31। ओके, जी सेट 31 एक जो है ये सैटेलाइट थी, ये अभी न्यूज़ में थी, तो इज़ लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो किस प्लेस से जो है इसको लॉन्च किया गया है, राइट आंसर इज़ फ्रेंच गुयाना। ओके, आपका ये राइट आंसर होगा। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। ओके, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। और अगर हम बात करते हैं अपनी स्पेस एजेंसी की, तो अपनी स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन का क्या नाम है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है, तो इसरो के चेयरमैन का नाम है के सिवान। उसके बाद है नेशनल रोड सेफ्टी वीक अभी मनाया गया जो है, तो उसकी थीम क्या थी। ओके, आपके पास क्वेश्चन है थीम के बारे में, तो आपने थीम बतानी है, तो राइट आंसर इज सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ओके, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो आपने एक क्वेश्चन और बताना है कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक के इसके रिगार्डिंग जो अम्बेसडर है हमारा, ओके, हमारे अम्बेसडर हैं इससे रिलेटेड, तो कौन है, राइट आंसर होगा वो ब्रांड अम्बेसडर है अक्षय कुमार, रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो अक्षय कुमार इसके ब्रांड अम्बेसडर बनाए गए हैं। उसके बाद है एक सेंटिनलीज ट्राइब है, ओके, वो अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, तो वो किस आइलैंड पे स्थित है। ओके, क्वेश्चन ये है, तो पहले हम बात कर लेते हैं आइलैंड के बारे में, तो आइलैंड है आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये कहाँ पर है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये है अंडमान आइलैंड, एक अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनमें से ये एक है। ओके, अब हम बात करते हैं इस ट्राइब के बारे में, ये अकेली एक ऐसी ट्राइब है कि जो अभी ऐसा माना जाता है कि ये मिडल पीरियड ऑफ स्टोन एज के जैसा जो है अपना कल्चर रखते हैं। ओके, स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं, स्टोन एज आज से कब हुई है, लगभग 2.5 मिलियन ईयर एगो, आज से 2.5 मिलियन साल पहले जो स्टोन एज थी। ओके, तो उस समय का जो कल्चर है वो ऐसा माना जाता है कि ये ट्राइब जो है वो आज भी फॉलो करते हैं ये। और ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अगर वहाँ पे इनके इस आइलैंड पे, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है, अगर कोई भी जाता है तो उसको ये जो है वो मार देते हैं। ओके, ये पीपल जो है उसको मार देते हैं, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में थे। उसके बाद है एक HADR एक्सरसाइज हुई है, राहत 2019 विल बी कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो किस स्टेट में राहत 2019 एक्सरसाइज जो है की गई है, तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान में। ओके, राजस्थान में ये की गई है। एक अब आपके पास क्वेश्चन था कि जॉइंट HADR एक्सरसाइज, HADR का मतलब क्या है, तो HADR का मतलब है ह्यूमैनी, ये H है, HUMANI, ह्यूमैनिटेरियन, TARIAN, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर, डिज़ास्टर रिलीफ, तो ये है HADR की फुल फॉर्म। ओके, उसके बाद है दक्षा, यानी दक्षाणी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली डैश। ओके, तो दक्षाणी के बारे में जो है हमने बताना है ये है क्या एक्चुअली। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ये एनिमल है, एनिमल है, तो ये क्यों न्यूज़ में था, तो ये एक फीमेल एलिफेंट है। ओके, और इसलिए जो है ये काफ़ी अभी न्यूज़ में था। और जो एनिमल है
वो थाईलैंड का जो है वो नेशनल एनिमल है। तो एलिफेंट कहाँ का नेशनल एनिमल है? थाईलैंड का। उसके बाद क्वेश्चन है, द 462 कंदूरी फेस्टिवल 2019 सेलिब्रेट इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में कंदूरी फेस्टिवल बनाया गया है? क्वेश्चन ये है आपके पास। तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ओके, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तो कंदूरी फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में अभी मनाया गया है। अगर हम तमिलनाडु की कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल इसकी है चेन्नई। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और अगर हम बात करते हैं इसके गवर्नर का, तो गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ओके, उसके बाद है करंट रेपो रेट आरबीआई की। ओके, तो वो क्या है? करंट रेपो रेट के बारे में आपने बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा 6.25। कई बार आपसे रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है 6.00%। ओके, उसके बाद है विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सियामीज फाइटिंग फिश एज इट्स नेशनल एक्वेटिक एनिमल? ओके, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका थाईलैंड। ओके, थाईलैंड का जो है इन्होंने नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया है सियामीज फाइटिंग फिश को। मैंने आपको अभी बताया था कि थाईलैंड का नेशनल एनिमल एलिफेंट है। ओके, बट ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, स्पेशली एक्वेटिक यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। तो इसको जो है फाइटिंग फिश को, सियामीज फाइटिंग फिश को वहाँ का एक्वेटिक एनिमल बनाया गया है। 52nd बूरी बूट योलो फेस्टिवल 2019 सेलिब्रेटेड बाई विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो ये बूरी बूट योलो फेस्टिवल है कौन से स्टेट में है मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये किस जो है ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया गया है? एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है, तो ये आपका राइट आंसर होगा थर्ड, नई शई के बारे द्वारा ये ट्राइब है, इन्होंने इसको मनाया है, सेलिब्रेट किया है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ का गवर्नर क्या है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीक के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।